तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेस्टर्न बैंक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से फ़ोनपे से मिलने वाले स्क्रैच कार्ड को यानी रिवार्ड को आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों जिन्हें पता नहीं है कि रिवार्ड क्या होता है, उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप फ़ोनपे से रिचार्ज करते हो या फिर किसी भी तरह का आप फ़ोनपे से पैसे के ट्रांजेक्शन को करते हो, तो यहाँ पर फ़ोनपे की तरफ से आपको जो है एक रिवार्ड देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप उस रिवार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि किसी भी पैसे के ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको वो रिवार्ड कहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप जो है यदि किसी भी पैसे का ट्रांजैक्शन करते हो, रिचार्ज करते हो या फिर किसी भी को भी पैसे सेंड करते हो, तो उस रिवार्ड को देखने के लिए, उससे मिलने वाले रिवार्ड को देखने के लिए आपको जो है यहाँ पर फ़ोनपे के होम पेज पर आ जाना है। और आने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ रिवार्ड्स का। सिंपली इस रिवार्ड्स के सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपको पिछले ट्रांजैक्शन का जो भी रिवार्ड मिला होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक रिवार्ड मिला है, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस रिवार्ड को स्क्रैच कर देना है। जैसे ही आप स्क्रैच कीजिएगा आपको जो भी रिवार्ड मिला होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। बता दें कि यहाँ पर फ़ोनपे द्वारा हमें अलग अलग प्रकार के हमेशा रिवार्ड दिए जाते हैं। हमें अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का भी यहाँ पर वाउचर्स देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। तो आप चलिए हम आपको बताते हैं और इस्तेमाल करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप जो है इन रिवार्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले रिवार्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी एक रिवार्ड को, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारा रिवार्ड यहां पर पाया है, तो आपको किसी भी एक रिवार्ड को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं मानिए इस रिवार्ड को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है कोड का, इसके अलावा हमें एक गिफ्ट नाउ का ऑप्शन देखने को मिलता है और एक्सचेंज का ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिलता है। यदि आप गिफ्ट करना चाहते हो किसी और को इसे, तो आप यहाँ से गिफ्ट भी कर सकते हो। जैसा कि मैं गिफ्ट नाउ पे क्लिक करता हूं तो आप किसी भी अपने दोस्त को इस रिवार्ड को यहां पर गिफ्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहां पर आपको एक एक्सचेंज का ऑप्शन मिल जाता है, यदि आपको ये रिवार्ड पसंद नहीं है तो आप इसे एक्सचेंज भी कर सकते हो, इसे बदल भी सकते हो। जैसा कि मैं आपको एक्सचेंज करके दिखाता हूं, जैसे ही मैं एक्सचेंज पर क्लिक करूंगा उसके बाद से यहां पर आपको नीचे एक्सचेंज नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर एक्सचेंज नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। अब हमें फिर से एक और रिवार्ड मिल गया है, इसे हम फिर से यहां पर स्क्रैच करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें एक और रिवार्ड मिला, तो इस तरीके से आप इसे एक्सचेंज भी कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है क्या करना है इसे इस्तेमाल करने के लिए, यहां पर आपको जो है एक शो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पे आपको शो पे क्लिक कर देना है और यहां पर यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शो पे क्लिक कीजिएगा यहां पर जो है आपका जो है कोड आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि हमें यहां पर कोड देखने को मिल जाता है। सबसे पहले इस कोड को आपको यहां पर जो है कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है। उसके बाद नीचे यहां पर आपको एक प्ले नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यदि यहां पर प्ले नाउ के अलावा कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं तो यहां पर उसी पे आपको क्लिक करना होगा। फिलहाल हमें इस रिवार्ड को यहां पर जो है नहीं इस्तेमाल करना है, हम किसी दूसरे रिवार्ड को इस्तेमाल करके दिखाते हैं आपको। हम यहां पर लेंस कार्ड के इस रिवार्ड को इस्तेमाल करके दिखाते हैं। इसका कोड हमारे पास यहां पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस कोड को सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे हमें एक यहां पर अवेल नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली हमें अवेल नाउ पे क्लिक कर देना है। यदि अवेल नाउ पे क्लिक करने में कोई दिक्कत आ रही है तो यहां पर इसके अलावा भी आपको यहां पर स्टेप्स दिए हुए हैं कि किस प्रकार से आप इसके वेबसाइट पे भी जाके आप जो है इस ऑफर को लाभ उठा सकते हो। यहां पर हमें स्टेप्स टू अवेल यहां पर ऑफर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो यहां पर हमें किस प्रकार से यहां पर हम ऑफर का लाभ उठाएंगे वो भी देखने को मिल जाता है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री में। तो इसको पढ़ के जो है आप जो है वहां से जाके इस कोड का इस्तेमाल करके आप अपने रिवार्ड को उठा सकते हो। फिलहाल हम अवेल नाउ पे क्लिक करते हैं। अवेल नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें अपने क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। उसके बाद से जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका वेबसाइट जो है यहां पर खुल करके आ चुका है। सबसे पहले आप जो भी वेबसाइट खोलेंगे उसमें आपको लॉग इन हो जाना है, जैसा कि हम लेंस कार्ड की वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉग इन हो चुके हैं। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा जो रिवार्ड था वो लेंस कार्ड का गोल्ड मेंबरशिप का रिवार्ड था, 600 रुपये का, जो कि मुझे फ्री में मिलने वाला था। तो यहाँ पर हमारे सामने लेंस कार्ड का गोल्ड मेंबरशिप का बाय नाउ का मतलब खरीदने का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो सिंपली हम इस पर बाय नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। अब हमें यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे कि हम प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं, हमारा एड्रेस यहाँ पर दिखाया जाएगा। आप चाहे तो दूसरा भी एड्रेस इस्तेमाल कर
कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद से हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम आपको अब कोड का इस्तेमाल करके दिखाते हैं कि हमें कितना का डिस्काउंट मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक वाउचर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इंटर वाउचर कोड। तो सिंपली हमारा जो भी कोड है उसे हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हमने जो भी हमें कोड मिला था उस कोड को यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर अप्लाई का एक ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अब अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, आपका कोड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा कोड जो है सक्सेसफुल अप्लाई हो चुका है, और हमें जो है 600 रुपये का डिस्काउंट भी मिल चुका है। हमारा जो ये चीज़ था वो 646 रुपये का था, यहाँ पर हमारा लेंस कार्ड का गोल्ड मेंबरशिप। अब हमें, आप देख सकते हैं कि हमें पहले 600 पे करने थे, लेकिन यहाँ पर अब हमें मात्र और मात्र 46 रुपये का पेमेंट करना है। जैसा कि आप नीचे प्रोसीड टू पे 46 यहाँ पर देख सकते हैं, और ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमें लिख रहा है कि हमें मात्र और मात्र अब 46 रुपये का ही पेमेंट करना है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप जो है फ़ोनपे के रिवार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पर आपको और भी ऑफर्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक दो और मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, जैसा कि झंडू केयर का मुझे ये देखने को मिलता है। तो सिंपली यहाँ पर भी हमें ऑर्डर नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपली यहाँ से हम ऑर्डर इसे कर सकते हैं। जैसे ही हम ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने फिर से गूगल पे चले जाना है, और यहाँ पर जो है हमारा फिर से झंडू केयर का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका अपना जो है एक अकाउंट बना लेना है। बनाने के बाद आप जब भी पेमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन या फिर वाउचर कोड अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ से जो है कूपन कोड को कॉपी कर लीजिएगा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो कूपन कोड आपको दिया हुआ है, इस कूपन कोड को कॉपी कर लीजिएगा और वहाँ पर जाके वहाँ पर डाल दीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। आपका जो भी डिस्काउंट है आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है अपने फ़ोनपे के रिवार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।